सो व्हाट्स अप पीपल, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइस आ चुके हो आप इस हमारी माइनक्राफ्ट की मजेदार वीडियो के अंदर। तो क्या गाइस आपके फ्रेंड के पास है माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन और आपके पास है माइनक्राफ्ट जावा एडिशन, और अगर आपको साथ में खेलना तो वो आप किस तरह से खेल सकते हो वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूं वो आप आपके मोबाइल डिवाइस की मदद से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको चले जाना है कोई से भी वेब ब्राउजर के अंदर, एंड उसके अंदर आपको यहाँ पे सर्च करना है एटर्नस। तो एटर्नस सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहली वाली लिंक दिख रही है, ये वाली लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। तो अगर आपका पहले से अकाउंट होगा तो आप लॉगिन कर लेना, और अगर आपका अकाउंट नहीं होगा तो यहाँ पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा साइन अप करके। तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे साइन अप कर रहा हूँ मेरे जीमेल अकाउंट से। तो चलो मैं यहाँ पे सबसे पहले जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ पहले। जैसे आप साइन अप या लॉगिन कर ले तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे सर्वर्स आ जाएगा। तो अगर आपके पास ऑलरेडी सर्वर हो तो आप उनमें भी ये वाली सेटिंग कर सकते हो, या फिर अभी हम यहाँ पे एक नया सर्वर क्रिएट कर लेते हैं। तो जो अब हम यहाँ पे सर्वर बनाने वाले हैं वो हमको बनाना है जावा एडिशन के अंदर, एंड यहाँ से आप इसका आईपी एड्रेस भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर आईपी एड्रेस चेंज करना हो तो आप यहीं से कर सकते हो, उसके अलावा फिर बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे नया सर्वर बनाओ तो इसका आईपी एड्रेस यहाँ से चेंज कर देना। तो इसको मैं यहाँ पे हटा के यहाँ पे जो भी मेरे को रखना है सब्सक्राइब। तो जैसे आप यहाँ पे आपका जो आईपी एड्रेस है वो चेंज कर लोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट पे। देन उसके बाद आपको जो क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपका एक न्यू सर्वर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको चले जाना है ऑप्शन के अंदर, जो यहाँ पे दिख रहा है ना ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे और यहाँ पे आपको मालूम पड़ जाएगा एक ऑप्शन है, इसको ऑन करना पड़ेगा क्रेक। अगर आप पे कोई सा जावा एडिशन वाला प्लेयर टी लॉन्चर की मदद से अगर खेल रहा होगा माइनक्राफ्ट तो उसको यहाँ पे सर्वर के अंदर आने के अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो इसको आप यहाँ पे ऑन कर देना। फिर आपको यहाँ चले जाना है वर्ड्स वाले ऑप्शन के अंदर, एंड अगर आपके पास ऑलरेडी वर्ल्ड हो तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, या फिर आपको नॉर्मल यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करना है, एंड जो भी यहाँ पे वर्ल्ड का नाम है वो आप यहाँ पे आपकी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका नाम लाइक रख देता हूँ वर्ल्ड का, एंड उसके बाद यहाँ पे इसको जनरेट कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे जनरेट करोगे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका वर्ल्ड का नाम है यहाँ पे चेंज हो गया, और आपको अगर वर्ल्ड की सेटिंग भी चेंज करना तो आप यहाँ से इसकी मदद से कर सकते हो इसकी सेटिंग चेंज। ये दोनों प्रोसेस करने के बाद आपको चले जाना है सर्वर वाले ऑप्शन के अंदर, फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, एंड जो हमारा सॉफ्टवेयर है ना वेनिला की जगह यहाँ पे आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो जो भी हमारा इसको वेनिला सॉफ्टवेयर इसको चेंज करके हम यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो हमारा पेपर बकेट है एंड स्पाइकोड बकेट। तो अगर आपको यहाँ पे इनमें से कोई सा भी एक सॉफ्टवेयर चूज कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ पेपर बकेट का, ठीक है। तो चलो यहाँ पे पेपर बकेट पे क्लिक कर लेते हैं। देन यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होने के बाद आपके पास यहाँ पे सारे वर्जन्स आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो जितना हो सके आप नए वर्जन के अंदर बनाने की कोशिश करना, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मैं यहाँ पे नया सर्वर बना रहा हूँ 1.19.4 का। तो चलो इस पर क्लिक कर लेते हैं, एंड उसके बाद ये जो हमारा पेपर MC का सॉफ्टवेयर है उसको हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो चलो जो हमारा सॉफ्टवेयर था वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, अब हम इसकी मदद से हमारे सर्वर के अंदर प्लगइन्स डाल सकते हैं। फिर आपके एटर्नस के अंदर एक और ऑप्शन ऐड हो जाएगा प्लगइन नाम का। तो चलो हम यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं। फिर हमें एक यहाँ पे एक प्लगइन सर्च करना है, तो उसका नाम यहाँ पे लिख लेते हैं MC। फिर इसको यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि गेस्चर MC ये वाले प्लगइन की मदद से आप पॉकेट एडिशन और बेडरॉक एडिशन प्लेयर को अपने सर्वर के अंदर बुला सकते हो। तो चलो इसको हम यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेते हैं हमारे सर्वर के अंदर। तो जैसे हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे कुछ समय बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा गेस्चर MC, और इसको आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। तो चलो फाइनली जो हमारा गेस्चर MC का प्लगइन था वो हमारे सर्वर के अंदर ऐड हो चुका है। अब हम यहाँ पे हमारे पॉकेट एडिशन प्लेयर को हमारे सर्वर के अंदर बुला सकते हैं। देन फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है सर्वर वाले ऑप्शन के अंदर, और जो हमारा सर्वर था उसको हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलो हमारा जो सर्वर है सबसे पहले उसको ऑनलाइन कर लेते हैं, एंड मैं आपको बता देता हूँ बेडरॉक एडिशन और पॉकेट एडिशन वाले प्लेयर उनको उनका आईपी एड्रेस और पोर्ट कहाँ से मिलने वाला है। तो जो हमारा सर्वर है इसको सबसे पहले तो स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है। एंड यहाँ पर फिर हमसे एक परमिशन मांगेगा, इसको यहाँ पर यस पे क्लिक कर देना है, एंड जो हमारा सर्वर है वो वापस से लोड होने लग जाएगा, एंड वापस से एक परमिशन मांगेगा तो इसको भी आपको यहाँ पर अलो कर देना है। एंड फाइनली अब यहाँ पे 2-3 मिनट के बाद हमारा सर्वर ऑनलाइन हो जाएगा। तो हमारा बेडरॉक एडिशन और पॉकेट एडिशन वाले प्लेयर के लिए हमें यहाँ पे इनका आईपी एड्रेस ये मिल गया, और इनका जो नीचे है ये पोर्ट मिल गया। तो ये आईपी एड्रेस और पोर्ट डाल के वो ये वाले सर्वर के अंदर ऐड हो सकते हैं। तो चलो सबसे पहले पॉकेट एडिशन की मदद से हम यहाँ पे सर्वर के अंदर चलते हैं।
तो यहाँ गए हम हमारी माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन की लॉबी के अंदर। हमें यहाँ पे प्ले पे क्लिक करना है एंड फिर चले जाना है सर्वर के अंदर एंड फिर ये ऐड सर्वर पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे आपका सर्वर का नाम कुछ भी रख सकते हो एंड जो हमारा सर्वर एड्रेस है जो भी मैंने आपको बताया था वही का वही सेम एड्रेस आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जो हमारा आईपी एड्रेस दिखा दे रहा था ना वही हमारा यहाँ पे सर्वर एड्रेस कहलाता है। तो चलो जल्दी से हम सर्वर एड्रेस और पोर्ट हमारा डाल देते हैं। एंड गाइज अब यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद अब आप यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं एंड जब भी आपको ये वाले सर्वर के अंदर जाना है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जा सकते हो। तो चलो जैसे सर्वर आता है मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। तो हमारा सर्वर ऑनलाइन आ चुका है, अब यहाँ पे हम ज्वाइन सर्वर करके ये वाले सर्वर के अंदर जाके देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे पॉकेट मेडिसिन की मदद से जाके देखते हैं इसके अंदर। तो गाइस फाइनली अब हमारे सर्वर के अंदर हम ऐड हो चुके हैं। तो आप कुछ इसी तरह से आपके सर्वर के अंदर पॉकेट एडिशन वाले प्लेयर को ऐड कर सकते हो। तो चलो मैं आपको बताता हूँ जावा एडिशन वाला प्लेयर को किस तरह से ऐड करना है। तो जो अभी हमने यहाँ पे एटोनस पे सर्वर बनाया है सबसे पहले तो आपको वहाँ पे चले जाना है एंड जो हमारा सर्वर एड्रेस है ये वाला इसको आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। फिर आपको चले जाना है आपके माइनक्राफ्ट के अंदर एंड फिर मल्टीप्लेयर के अंदर और फिर आपको यहाँ पे ऐड सर्वर पे क्लिक करना है एंड जो आपके हिसाब से जो भी आपको सर्वर का नाम देना है वो आप आपके हिसाब से दे सकते हो। और जो अभी हमने यहाँ पे सर्वर एड्रेस कॉपी करा था वो अभी यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है। फिर हमें यहाँ पे डन पे क्लिक करना है एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि सर्वर हमारा ऐड हो चुका है। बस हमारे सर्वर अभी ऑनलाइन है तो मैं इसके अंदर यहाँ पे जाके भी चेक कर सकता हूँ। चलो हम यहाँ पे सर्वर के अंदर चले जाते हैं एंड हमारा पॉकेट एडिशन वाला प्लेयर पहले से ये सर्वर के अंदर ऐड है तो इसको ढूंढ लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे अभी देख सकते हो कि वो वाला प्लेयर पहले से यहाँ पे पॉकेट एडिशन वाला प्लेयर ऐड है एंड यहाँ पे जो जावा एडिशन वाला प्लेयर है ये भी दोनों साथ में ऐड हो चुके हैं। तो गाइस कुछ इसी तरह से आप आपके माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन और माइनक्राफ्ट जावा एडिशन प्लेयर के साथ एक ही सर्वर में खेल सकते हो। आप यहाँ पे ऊपर देख भी सकते हो कि दोनों प्लेयर यहाँ पे ऐड है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, नए है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।